अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल जहांगीर मॉम व्लॉग्स में मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। के ईद गुज़र चुकी है, लेकिन क्योंकि ईद के तीनों दिन में बहुत ज़्यादा बिजी थी, आप लोगों से कनेक्ट नहीं रह सकी, इसलिए आपको अभी ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ। काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि आप ईद के व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही हैं, कि बाकी व्लॉगर तो ईद के वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरे व्लॉगर में और मुझ में काफ़ी फ़र्क है। वो प्रोफेशनल तौर पे वीडियो बनाते हैं, मैं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैं एक शौकिया वीडियो बनाती हूँ। मैं जब समझती हूँ कम्फर्टेबल अपने आप को यहाँ वीडियो बनानी चाहिए तो वीडियो बना लेती हूँ, और जहाँ मैं समझती हूँ यहाँ वीडियो नहीं बनानी तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बनाती। तो थोड़ा सा डिफरेंस है मुझ में और बाकी व्लॉगर्स में, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड करती। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना की बेसिस पे वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मेरे साथ एक छोटा बेबी है, मैं अकेली रहती हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है घर को मैनेज करना, बच्चों को देखना, बच्चे को देखना, तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। और ईद के दिन तो इतने मसरूफ़ थे, और मैं रमज़ान में आखिरी जो रमज़ान का अशरा था ताक रहते स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें भी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मुझे मैसेजेस आए थे कि आप रमज़ान की भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, तो वो यही रीज़न था कि मैं थोड़ा सा इबादत का महीना था, आपको पता है ताक रहते स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें टाइम भी बहुत कम होता है, ईद भी करीब आ रही होती है, तो सारी तैयारियां देखनी पड़ती हैं। और ईद पे मैं इसलिए नहीं कर सकी, जाना आना था इधर ससुराल में, अपने गए थे हम लोग, अम्मी वालों की तरफ गई और बाहर घुमाने वगैरह बच्चों को लेके गए, तो इसमें आना और मेहमानों का आना जाना आप लोगों को पता है ईद पे कितना ही मसरूफियत हो जाती है, बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है, इसी वजह से तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सेकेंड ईद की वीडियो। मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो में, एंजॉय करेंगे आप। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, बेल आइकन को हिट कर दिएगा अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और मुझे कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने किस तरह की ईद मनाई। तो हम गए फिर होटल, खाना खाया हम लोगों ने, बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत सारी बातें की, हंसी मज़ाक चल रहा था। और फिर उसके बाद हमने खाने के बाद खाए मीठे पान, क्योंकि मेरे भनोई बनवा के लेकर आए थे स्पेशल मीठे पान, वो खाए हम लोगों ने। उसके बाद हम बातें करते हुए ऐसे ही चले गए आगे की तरफ, क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे, कह रहे थे कि आइसक्रीम भी खानी है, तो हम चले गए आइसक्रीम पार्लर आइसक्रीम लेने। तो आइसक्रीम वगैरह ली, वहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पार्लर में रश था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, बैठने की तो दूर की बात, पाँव की भी जगह नहीं थी, इतना रश था। तो बस हमने आइसक्रीम ली और फिर हम ऐसे ही रस्ते में खाते हुए गए, वहाँ तो हमने बैठ के नहीं खाई, ऐसे ही रस्ते में बैठते हुए खाते हुए गए। और फिर उसके बाद मैं घर चली गई, मैंने भाई को कहा आप मुझे घर छोड़ दें, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था, मैं नहीं सॉरी 1:30 बज रहा था, तो 1:30 बजे मैं अपने घर आ गई थी वापस, तो मैंने भाई को कहा आप मुझे घर छोड़ दें। ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
और आप लोगों ने किस तरह से ईद मनाई, कहाँ कहाँ गए, ये भी मुझे बताइएगा आप लोग। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग्स के साथ, अच्छी सी कोई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।